हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। जिला चित्रकूट ब्लॉक मऊ है, गांव कोनिया, जमीरा कॉलोनी है और आदर्श कॉलोनी। यहां एक साल पहले मुर्गी पालन का फार्म भराया गया था, लेकिन किसी भी महिलाओं का अभी तक का चूजे नहीं मिले हैं। जबकि चूजे मिल जाते थे तो इससे महिलाओं का एक रोजगार हो जाता था, क्योंकि वो घर पे रहती हैं, बच्चे पालती हैं, गृहस्थी का काम करती हैं, इसी के साथ वो बच्चे भी पाल लेती थी और कुछ इनके लिए आमदनी होता जाता था। जब मुर्गी के बच्चे बड़े हो जाते थे तो इसको बेच के अपना घर के आमदनी कर लेते थे। जिस तरह की सरकार की योजना चलती है, गरीबों तक ये नहीं पहुंचता है, सिर्फ कागजात में रह जाता है। एक साल पहले सबका, बहुत महिलाओं का, एक गांव में 25 महिलाओं का फार्म भराया गया था, लेकिन किसी महिलाओं को नहीं मिला है। इस तरह की स्थितियां हैं। महिलाओं का कहना है कि एक तरह से ये योजना चली थी तो हम लोगों को बहुत राहत था, जिस तरह से पतियों को काम नहीं लगता था, तो इस जब बच्चे बड़े हो जाते रहे तो इनको बेच के हम लोग कुछ साग सब्जी खरीद लेते थे, कुछ राहत रहता था। इमरजेंसी में बच्चे बीमार हो जाते थे तो इलाज करवा लेते थे। इस तरह से घर में रहने से फायदा हम लोगों को था, लेकिन लॉकडाउन से पहले फार्म भरे गए थे, किसी भी गांव किसी महिलाओं को नहीं मिला है। अच्छा, फार्म तो सुना है कि भर गए हैं, मगर भराए तो जरूर है, मगर हमको लोग को मिला कुछ नहीं है, गाँव में किसी को नहीं मिला। क्या वजह है नहीं मिला? अब हमको पता नहीं है। मिल जा रहा था जो पाल पोस के बर्थडे कह दे रहे हैं, को बिकन बांझ ले रहे हैं। जब पहली बात तो बिलारी कुकुर से नहीं बचा रहा भाई, जब उन थोड़ बहुत बचा रहे तो वही मुर्गी फार्म मुर्गी को खरीद खा लेते रहे, बेच भाँच ले रहे हैं, तो अपन मेहनत मजूरी निकाल ले रहे हैं। अब फार्म भरा कोई है नहीं है कि कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। अब ये फायदा था कि उसको चुनाव, फिर बड़े हो जाओ बेच लो अगर कुछ हुआ हो तो, हैं, इसलिए मने मुर्गी फार्म भर देता है तो नहीं फायदा मिला कुछ। भराए हैं जरूर मगर मिला नहीं। कितने आदमी भराए हैं? 25 आदमी, किसी को नहीं मिला है। अब यही है हमारा लोग कि मिल जाए तो हम लोग यही रोजगार करें अपना। यह है कि मिल जाता तो मने, यह है कि बिजनेस करा तो हिम्मत खात कमात मुर्गी पाले रहत। ये माया है कि चोरा लुका मने धई लेत है पैसा, नात मेहमान आएगा तो का कहते ओहिन मसेली आवा सौदा ओदा, कहे कि 10,000 पैसा मिलेगा या मुर्गी मिलेगा और तुमको मुर्गीशाला बनाएंगे, तो जब नहीं कुछ भा तो का करी अब। अरे गरीब के पास जब वोट के समय हुई तो घर घर मनाई आई, आ लागी कि अब पाँव पर जाई, या जब फिर कुछ दे कहो थे तो गरीबन के लगे कोई झांका नहीं जा। हम ये सोचन कि पाल मुर्गी फार्म पाल ले तो हमारे जीवन का सुखी रही और हमारे बच्चन का सुखी रही, तो इसी से आए मुर्गी फार्म भरवाए। अब यहाँ से तो हम बचे कागज दही दहन और कहें कि हाँ अब आएगा आएगा आएगा, कौन है कॉलोनी के है फार्म, कौन है आधार कार्ड के दही दहन, पासबुक के दही दहन, कार्ड के दही दहन, ओ जना का जब नहीं हुआ से आवा तो का अब हम बचे जाए। अब खरीदे में तो 500 का मुर्गी जाती है, 1500 का मुर्गा जाता, तो कमा लेते 20-25 हज़ार रुपया तो कमा लेते साल भर में। अंडा भी बेचते हैं तो 10 रुपया अंडा भी देते हैं, वो कहे अंडा का छपा देते, अंडा धारत जाती मुर्गी, फिर अंडा धारत फिर वो का हम धाई देती थी एक ठोरे सिका हुली में और धर के, जब फिर मुर्गी फिर को का लगता फिर ओके घर में धाई दें, तो वो फिर एक महीना में 1 महीना 10 दिन में बच्चा पाल देती थी। वो बोले थे कि 10-15 दिन में पैसा भी आ जाएगा और मुर्गी दाना भी आ जाएगा, पैसा तुम्हारे खाता में हर महीना आए, पता ना खाता में पैसा ना कुछ। वर्ष 2019-20 के कार्यक्रम के तहत महिला समृद्धिकरण की योजना आई थी, जिसमें महिलाओं के समृद्धिकरण हेतु एक योजना चलाई गई थी, जिसमें उनको एक दिन का चूजा, 50 चूजे मिलेंगे, लगभग 45 दिन तक उनको पालना है, फिर उसके बाद उनको उसका बेचकर जो भी धनराशि प्राप्त होती है फिर अगले महीने उनको स्वयं से करना होगा, इसलिए 3 बार हम उनको देंगे, 3 बार स्वयं से उनको लेना पड़ेगा। इस तरह से ये कार्यक्रम पूरे साल भर का चलेगा, तो ये योजना थी। और इसमें हमने 75 लाभार्थी के लगभग यहाँ से हमारे क्षेत्र से गए थे 2019-20 में, जिनमें उनकी शुरुआती 10,000 की जो राशि थी गवर्नमेंट की तरफ से
उनके खाते में आई थी, जिसमें प्रथम 6,000 की किस्त जो आई थी, तो उनमें उनको ये दिखाना था कि उन्होंने कुछ बनाया है, जो एक मानक तय हुआ था जो सेट बनना था पोल्ट्री शेड का 50 चूजों के हिसाब से। तो उस हिसाब से देखा गया कि उसमें जितने अगर 50% से ज़्यादा का अगर उन्होंने काम किया है उसमें, तो फिर आगे की 4,000 की राशि फिर उनके अकाउंट में आ गई थी। इस तरह इनके 2019-20 में इनके खाते में 10,000 रुपये अभी तक आ चुके हैं, जिसमें ज़्यादातर लाभार्थी अनुसूचित जाति के ही हैं, कोल बस्ती है, जिससे जो महिलाएं काफ़ी पिछड़े वर्ग से आती हैं उनके सशक्तिकरण के लिए योजना चलाई गई थी। तो इनमें ज़्यादातर लाभार्थी हमारे हरदी कला क्षेत्र के थे वर्ष 2019-20 में। और फिर 2020-21 में भी ये योजना पुनः आई थी, उसमें 50 लाभार्थियों का चयन किया गया था, लेकिन अभी उनके खाते में पैसे अभी आए नहीं है, क्योंकि अभी इस समय कोविड का भी पीरियड चल रहा है और चूजे भी अभी तक नहीं मिल पाए हैं, और बर्ड फ्लू भी बीच में आ गया था, जिस कारण यहाँ पर अभी तक चूजों के वितरण की प्रोसेस अभी नहीं हो पाई है। इसमें जमीरा की भी मुझे जहाँ तक याद है कि 12 से 15 महिलाएं वहाँ की भी हमने 2019-20 में उनको भी हमने शामिल किया था इस योजना के तहत, और मैं कई बार 2-3 बार वहाँ भ्रमण पे भी गया था। लेकिन वहाँ पे मैंने क्या देखा है कि वहाँ पे एक्चुअल जो कंडीशन है, वहाँ पे काफ़ी लोगों ने जिस हिसाब से मानक से जो कहा गया था बनवाने के लिए, उन्होंने वो बनाया ही नहीं है। मेरे काफ़ी प्रयास के बावजूद भी कुछ लोगों ने बनाया है, लेकिन उनके खाते में पूरी धनराशि भी आ चुकी है, जिसका उन्होंने उपयोग उस स्तर से नहीं किया अपने पोल्ट्री शेड बनाने में, जिस हिसाब से उनको मानक दिया गया था। और जब ही जैसे ही इनका एक दिन के चूजे जो होंगे आएंगे, उनको वितरित कर दिए जाएंगे। लेकिन इसमें हम लोग केवल लेटर भेज सकते हैं, और यही हो सकता है कि जितना जल्दी जल्दी आ जाए। बात ये होगी कि इस समय थोड़ा सा विपरीत परिस्थितियाँ आ गई हैं काफ़ी, वो आप भी जानते हैं, इसके बारे में जल्दी कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।